अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। एज यू कैन सी, दिस प्रेजेंटेशन इज सबमिटेड बाय चांदिया शकूर। सो इन केस ऑफ थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, we will see actually two main theories of catalysis. The first one is intermediate compound formation theory, and the second one is adsorption theory. So there are basically two theories. Pehle hum intermediate compound formation theory study karenge aur phir hum adsorption theory ko briefly discuss karenge. So what is intermediate compound formation theory? In general, the intermediate compound formation theory applies to homogeneous catalytic reactions, and the adsorption theory applies to heterogeneous catalytic reactions. तो पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शंस के मुतालिक बड़ी डिटेल से पढ़ा है, जो कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट जो हैं, दे आर इन द सेम फिजिकल फॉर्म, वो एक ही फिजिकल फॉर्म में होते हैं। जबकि जो हेट्रोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शंस होते हैं, इसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट जो हैं, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, वो आमतौर पे होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस के लिए यूज होती है, जबकि एडसॉर्प्शन थ्योरी जो है, वो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो इन केस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, in homogeneous catalysis it does so by forming an intermediate compound with one of the reactants. yani ab isme kya hota hai ki catalyst jo hai pehle ek reactant ke sath ek intermediate compound banata hai. yani agar aap is reaction mein dekhen, sulfur dioxide oxygen ke sath milke, in the presence of nitric oxide which is acting as a catalyst, sulfur trioxide banata hai. तो इसमें होता क्या है, यानी एंड पे जो एंड प्रोडक्ट है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो पहले क्या होगा कि वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी एक रिएक्टेंट के साथ ये कैटलिस्ट मिलके, यानी 2NO+O2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, विच इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। सो दिस इज अबाउट इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो फिर अब ये जो NO2 बना है, विच इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, by the reaction of one of the reactants which is oxygen molecule here with catalyst which is NO here, theek hai, ye NO2 bana aur ye NO2 fir ek dusre reactant ke sath milke, yani sulfur dioxide ke sath milke sulfur trioxide bana dega, aur NO jo hai hame dobara se hasil ho jayega. to catalyst jo hai uski definition hi yahi hai ki ye reaction ko speed up karta hai, reaction ki formation ko kamyab banata hai, lekin itself ye रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होता। अच्छा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसकी दूसरी खासियत क्या है, दिस इज हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये सेकंड रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद ये वाला कैटलिस्ट रिलीज हो जाता है। नाउ द एडसॉर्प्शन थ्योरी, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू गैसेज कैटलाइज्ड बाय अ सॉलिड, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या फिर इसको कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी बोलते हैं। द कैटलिस्ट फंक्शंस बाय एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। तो अब इसमें क्या होता है कि हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो तो एक ही, फॉर एग्जाम्पल, उनकी फिजिकल फॉर्म है जैसे गैसेज, लेकिन जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है, ये फंक्शन करता है बाय मींस ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। अच्छा, अब कैटलिस्ट क्या करता है, फंक्शंस बाय एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स सरफेस। तो इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, वो कैटलिस्ट की सतह के ऊपर एडसॉर्ब हो जाते हैं, वहां पर उनका रिएक्शन होता है और वहीं से हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है। The steps involved in the adsorption theory. The first step, adsorption of reactant molecule. तो पहले step में क्या होगा
जो कैटलिस्ट है उसके ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब कर जाएंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए एंड बी एंड दे विल स्ट्राइक द कैटलिस्ट सरफेस. वो कैटलिस्ट की सरफेस के साथ टकराएंगे. दे आर हेल्ड अप एट द सरफेस बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन और बाय पार्शियल केमिकल बॉन्ड केमिसॉर्प्शन. अच्छा, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत तफसील से पढ़ी हुई हैं. अगर कोई स्टूडेंट इसमें फर्दर इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. वहां से फिर आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन देख सकते हैं. तो होता क्या है कि रिएक्टेंट किस तरह से एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्ब हो जाते हैं कैटलिस्ट की सतह पे, दो तरीकों से. या तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के जरिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगी तो वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस के जरिए उसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे, और अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी तो वो पार्शियल केमिकल बॉन्ड के जरिए कैटलिस्ट की सतह के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे. अब आपको पता है कि ये फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है ये वीक एड्सॉर्प्शन होगी, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग किस्म की एड्सॉर्प्शन होगी. अच्छा, स्टेप नंबर टू में क्या होता है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है. द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एडजेसेंट टू वन अनदर दे जॉइन टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. जैसा कि ये ए डैश बी से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी वी हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दे विल लिंक टुगेदर बाय फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल या अनस्टेबल होगा एंड इट हैज ओनली फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस. ठीक है, यानी फ्लीटिंग मीन इजीली खत्म हो जाने वाली एग्जिस्टेंस इसके अंदर होगी. डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थर्ड स्टेप में डीकम्पोज हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल सी बना देगा, सी एंड डी. द सेपरेटेड पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स होल्ड टू द कैटलिस्ट सरफेस बाय पार्शियल केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट भी बनेगी वो भी कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर बाय मीन ऑफ पार्शियल केमिकल बॉन्ड जुड़ी होगी. इसके बाद डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, द पार्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट आर डिसॉर्ब्ड और रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस. दे आर स्टेबल एंड कैन लीड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब ये फोर्थ स्टेप है. ठीक है, इसमें क्या होगा, डिसॉर्ब मीन के उससे अलहदा हो जाएंगे कैटलिस्ट की सरफेस से, और जब आप उसको कैटलिस्ट की सरफेस से अलहदा कर देंगे प्रोडक्ट को, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दिस इज द फिनोमेना, राइट. तो ये कैटलिस्ट सॉलिड कैटलिस्ट है. ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल दे आर इन द गैशियस फॉर्म एंड दे विल बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट. एंड इन द सेकेंड स्टेप एज यू कैन सी दैट दीज ए एंड बी मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड बाई केमिकल रिएक्शंस बिटवीन ईच अदर दे विल फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी एंड द प्रोडक्ट सी एंड डी दे विल अगेन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट बट दे विल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. और फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि दीज प्रोडक्ट सी एंड डी दे विल बी डिसॉर्ब्ड, दे विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड नाउ दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क. Thank you very much, and we will inshallah meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.